किसी को कृष्ण भक्ति में बड़ा करना, संतानों को भक्ति देना आजकल संघ के कारण बहुत कठिन हो गया है। तो जो माता पिता इसमें यशस्वी बनते हैं वो सचमुच में बहुत भगवान को बहुत प्रिय सेवा कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते थे कि अगर मैं कृष्ण भावना भावित संतान बना सकता तो मैं लाखों बार शादी कर सकता था, लेकिन क्योंकि मैं कृष्ण भावना भावित संतान नहीं बना सकता इसलिए मैं सन्यासी हो गया, मैंने तो शॉर्टकट ले लिया। लेकिन जो ये कठिन रास्ते में जाते हैं गृहस्थ आश्रम में और वहां रह के भी अपने संतान को ये भक्ति देते हैं, बड़े ही सौभाग्य। गीता में ऑलरेडी इसके बारे में वर्णन है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। योग भ्रष्ट यानी पिछले जन्मों में जिसकी भक्ति अधूरी रह गई हो उनका जन्म वैष्णव परिवार में होता है और फिर वो वहां से ही चालू करते हैं। तो अगर वैष्णव माता पिता ही नहीं होंगे तो फिर जो जीवों की भक्ति अधूरी रही है वो जन्म कहाँ लेंगे, उनको जन्म लेने के लिए भी ऐसे माता पिता की आवश्यकता है। तो इसलिए सबको ये उदाहरण लेना चाहिए कि हमें जब घर में सब मिलके कीर्तन करते हैं तो घर है वो जंगल से भी अच्छा बन जाता है। तीन प्रकार के स्थान है, सत्व गुण में जंगल है, रजोगुण में घर है और जो दारू मदिरा पीने का अड्डा है वो तमोगुण में है। तो घर है, घर है वो ऐसे तो रजोगुण में माना जाता है, लेकिन जहाँ कीर्तन होता है वो घर गोलोक बन जाता है। जे दिनो गृहे कीर्तन देखी गृहे ते गोलोक भाय, मृदंग वाद्य सुनीते हो अवसर सदा जा। मृदंग वाद्य जिस घर में होता है, कीर्तन होता है, वहां भगवान का वास होता है, वो शुद्ध सत्वमय स्थान बन जाता है। इसलिए नारद जी ने भी संन्यास आश्रम को छोड़ दिया कलयुग में और नारद जी ने शादी कर लिया। शादी क्यों किया नारद जी ने? शादी क्यों किया? शादी करेंगे तो ही घर होगा और घर होगा तो ही भगवान को बुला सकते हैं। सन्यासी तो भगवान को कहाँ बुलाएगा? इसीलिए गृहस्थ आश्रम ही कलयुग में सबके लिए, ज्यादातर लोगों के लिए सबसे सरल आश्रम है भक्ति करने के लिए। और विशेष करके जब परिवार के लोग भक्त एक दूसरे की सहायता करते हैं, क्योंकि सन्यासी को तो सहायता परमात्मा से लेना पड़ता है, भगवान से लेना पड़ता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में एक दूसरे की सहायता कर सकते। पत्नी कहती है कि आज आपने माला नहीं की आपको भोजन नहीं मिलेगा। और पति जी कहते हैं तुम 64 माला करो फिर रसोई करना, नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं। सोलह माला तो इससे एक दूसरे की भक्ति बढ़ती है। और विशेष करके जब साथ में कीर्तन होता है
घर में तो जो परिवार साथ में कीर्तन करता है वो परिवार के लिए एक कॉमन विमान आएगा गोलोक जाने के लिए। ऐसे कहा जाता है अंग्रेजी में, वन हू प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, कि जो ये साथ में कीर्तन करता है वो गोलोक में भी साथ में रहता है। तो इसलिए ये आप सब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो आपका भी अवसर आएगा, तो इसलिए आप दोनों का उदाहरण देखिए और आप भी गृहस्थ आश्रम में इसी तरह से अगर 5-6 गृहस्थ भक्त भी भक्ति में उनके जैसा प्रचार करें तो दिल्ली बहुत, दिल्ली में हर दिन कार्यक्रम चलते ही रहेंगे। तो इसलिए हमारे स्थान को छोड़ना नहीं है, भागवत में कहा है स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान। दिल्ली को छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली से तो आपको हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार राधा कुंड आने का तो अवसर मिलता ही है और उसके साथ साथ आपको दिल्ली में कीर्तन का केंद्र भी बना सकते हैं। दूसरे जीवों को, एक जीव को आप भक्ति में लाएंगे तो वो 10 लाख अस्पताल खोलने से भी ज्यादा उसमें सुकृति है, क्योंकि एक जीव अगर संसार चक्र से छूट जाएगा उसको अपना संबंध कृष्ण के प्रति पता चल जाएगा तो फिर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक एक जीव के लिए बहुत चिंता है भगवान को, गौरांग महाप्रभु अपने एक एक जीवों के लिए चिंता करते हैं और जो उनका प्रचार करते हैं वो भगवान की चिंता को थोड़ी थोड़ी कम कर रहे हैं। इसलिए प्रचार करने वाले भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं, गृहस्थ हो या सन्यासी हो। परमं भूयं मद्भक्तेश विधास्य मयि परां कृत्वा मामेवैष्यसि न संशयः। जो खुद भजन करता है वो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है, लेकिन जो प्रचार करता है वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। कौन सी भक्ति चाहिए आपको? तो अपने ही स्थान में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाकर हम श्रवण कीर्तन करके दूसरों जीवों को ये लाभ दे सकते हैं। तो इसलिए ये 4 वर्ण और 4 आश्रम स्वयं भगवान कृष्ण ने बनाए। चतुर्वर्णम सृष्टम वर्णाश्रम विभाष्टितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितो। गृहस्थ आश्रम भी कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, संसिद्धि हरितोषणम भगवान कृष्ण। जब शिवानंद सेन को संतान हुआ तो गौरांग महाप्रभु इतना खुश हो गए कि उस संतान के मुंह में अपना अंगूठा डाल दिया। उसका नाम था पुरीदास परमानंद, कवि कर्णपुर उनका नाम बना, आगे चल के महान कवि बने। वो इतना खुश हो गए भगवान कि कृष्ण भावना भावित संतान की
कितने जीवों का कल्याण किया, आनंद वृंदावन चंपू लिखा और गौर गणोदेश दीपिका आदि महान ग्रंथ की रचना। तो इसलिए मैं दोनों के लिए हार है, मैं बुलाऊंगा तो हार पहनाया जाए। हरि ओम। अभी तक आपका नाम अनिल और मोना ऐसा बुलाना पड़ता है, बहुत जल्दी ही आपकी दीक्षा हो जाएगी। तो एक ही विनंती है मेरी, कोई भी स्थान में रहिए, कोई भी जगह में रहिए, लेकिन कीर्तन को मत भूलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।